भारतीय जनता पार्टी रायसेन जिले के बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीधे साधे मंडल अध्यक्ष आदरणीय राधाकृष्ण अडवाणी जी, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्षा, नगर पंचायत क्योंकि अब नगर पालिका बनने वाली है इसलिए नगर पालिका बोल दिया मैंने, अध्यक्षा बहन हरप्रीत कौर जी, हमारी मंडीदीप की नगर पालिका अध्यक्ष बहन पूर्णिमा जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ यहाँ के मंडल के महामंत्री रविंद्र विजयवर्गीय जी, गौरी शंकर नागर जी, आदरणीय रमेश गौर जी, जनपद की अध्यक्षा ललिता जी, उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, हमारी नगर पालिका उपाध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी, उपस्थित सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, मंडीदीप से मंडल महामंत्री संजय तिवारी जी, यहाँ के सभी वरिष्ठ जन मंडी के उपाध्यक्ष हमारे रवि यादव जी, रामेश्वर नागर जी, नरेंद्र शर्मा जी, आनंद पांडे जी, अवतार सिंह जी, अशोक यादव जी, दशरथ जी, उपस्थित सभी अन्य वरिष्ठ जन और यहाँ आए हुए हमारे सभी अर्जुन नगर की माताएं बहनें सोनू चौकसे जी, उपस्थित सभी पार्षदगण, भूपेंद्र नागर जी और भी अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, पत्रकार बंधुगण, एसडीएम महोदय, मंडीदीप से आए हुए तारा सिंह मारन जी, शिव चौहान जी, सुनीता जैन जी, तहसीलदार महोदया और सभी बहनें, आज का ये कोई कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ऋषभ जी आ जाए, स्वागत है आपका। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ना कोई इसमें भूमि पूजन होना, ना कोई लोकार्पण होना है। ये विशेष रूप से जो कार्यक्रम है, रक्षा सूत्र का कार्यक्रम आज रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन बीमा सुरक्षा बीमा इस तरह की योजना शुरू की, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, 12 रुपए में साल भर में दुर्घटना बीमा, जो कि लगातार आपके परिवार की सुरक्षा करेगा, न केवल हमारे देश में बल्कि बहुत सारे ऐसे दूसरे देश है जहां इस योजना के बारे में, इसके बारे में चर्चा का विषय बना। पिछली कितनी ही सरकारें रही केंद्र की, बहुत सारे अच्छे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, लेकिन ये जो योजना है, इस योजना के बारे में किसी ने विस्तार से सोचा नहीं। और भी दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दूसरी अन्य योजनाएं हैं, लेकिन इस तरह की 12 रुपए की कोई भी योजना आज तक नहीं आई। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया और रक्षाबंधन के दिन ये तय किया कि रक्षाबंधन के दिन हमारे पूरे क्षेत्र की जितनी भी माताएं बहनें हैं, वहां के हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संभवतः इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें और रक्षा सूत्र बंधवाकर उनको इस योजना का लाभ मिले। वैसे 3 महीने पहले सुल्तानपुर के पास घोटी बहरा में जब कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, तो वहां मंच के द्वारा हमने घोषणा करी थी कि पूरे भोजपुर क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार के सदस्य हैं, उनका लगभग हम पूरे भोजपुर क्षेत्र की 10,000 माताओं बहनों का विधायक होने के नाते सुरेंद्र पटवा स्वयं बीमा करवाएगा, यह हम लोगों ने घोषणा की थी। क्योंकि वास्तव में एक परिवार का सदस्य होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो हमारी विकास की जो बातें वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन हर परिवार की चिंता करने का काम, हर परिवार के सदस्य के बारे में जानना, हर परिवार का दुख दर्द में काम आना, उनकी खुशी में शामिल होना, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग मिलकर हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि जितनी भी आप लोगों की समस्याएं, समय समय पर उनको सुलझाने का काम हम लोग करते हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम जीवन में, इस दुनिया में जीवन जीने के लिए आए हैं, तो ये मान के चलिए कि एक दिन एक समस्या खत्म होती है, दूसरे दिन दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन लगातार प्रयासों से
हर समस्याओं का निराकरण जरूर होता है। और आपने देखा होगा लगातार पिछले 10 सालों से आदरणीय शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मैं वास्तव में सोचता हूं और विचारता हूं ये पहली बार ऐसा हुआ, पिछले जितनी भी सरकारें मध्य प्रदेश में बनी है आज तक 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है, आज तक कोई सरकार 3 बार नहीं बनी जिसके अंदर एक ही मुख्यमंत्री लगातार सरकारें बनवाता जाए। ये वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास जताया है। पिछले 30 सालों में आज तक पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनी है, पहली बार बनी है। 30 सालों में आज तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। बंधुओं, माताएं, बहनें, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सोचता हूं विचारता हूं कि इस क्षेत्र का जो नेतृत्व हमेशा रहा है, पहले शिवराज सिंह जी सांसद रहते हुए इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, आदरणीय पटवा जी लगातार यहाँ विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में लगातार चिंता व्यक्त करी। और हम और खुश नसीब हैं कि हमें सुषमा स्वराज जैसी विदेश मंत्री मिली है, और वो सांसद महोदया यहाँ से लगभग 4,11,000 वोटों से जीतने का काम उन्होंने किया है। ये सब आपके कारण से हुआ है, आप लोगों के सहयोग के कारण से हुआ है। आज अगर देश में अगर चर्चा होती है तो विदेश मंत्रालय की चर्चा न केवल हमारे देश में होती है बल्कि पूरी दुनिया में विदेश मंत्रालय की चर्चा होती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ आदरणीय सुषमा स्वराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र का विकास किस तरह से हो। 48 करोड़ की पुलिया का भी श्रेय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को जाता है। ये पुलिया सैंक्शन हो चुकी है, इसका भूमि पूजन होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ अर्जुन नगर की हमारी सभी जनता को मिलेगा। जहां तक स्कूल की बात है उसकी स्वीकृति भी स्कूल की हम लोगों ने दे दी है, और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग 2 बजे अर्जुन नगर के पहले राहुल नगर में थे, राहुल नगर में वहां रक्षा सूत्र का कार्यक्रम था, लगभग 1,000-1,500 बहनें वहां शामिल हुई और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लगभग हर बूथ स्तर पर हम लोग जाएंगे और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक खुशखबरी और देना चाहूंगा, आज केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी स्वयं भोजपुर क्षेत्र में आई थी, सुबह पिपलिया गज्जू में कार्यक्रम था, उसके बाद मंडीदीप में कार्यक्रम था। वो हमारे देश की महिला बाल विकास की मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में आकर सब लोगों से, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मिले और क्षेत्र के बारे में उन्होंने जानकारी ली। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ यही विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मंडीदीप हो, बाड़ी हो, बुद्धलागंज हो या इसके आसपास जितने भी क्षेत्र में गांव आते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह की चिंता किस तरह से की जाए। वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन नगर के साथ साथ पूरे ओबुद्दुल्लागंज में हम लोगों ने 17 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कराने का काम किया। न केवल ओबुद्दुल्लागंज बल्कि मंडीदीप, सुल्तानपुर और बाड़ी में लगभग 10 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ इस तरह की नल जल योजना हम लोगों ने उसका भूमि पूजन कर दिया। आने वाले समय में इन चारों जगह नल जल योजना 6 महीने से साल भर में शुरू हो जाएगी। लगातार ये प्रयास हो रहा है। चिकित्सा के मामले में ये जरूर है कि डॉक्टरों की अभी कमी है, लेकिन हमने 30 बिस्तरों का अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी और विदेश मंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से ओबुद्दुल्लागंज में उसकी शुरुआत हो चुकी है और लगभग 3-4 महीने में वो पूरा हो जाएगा। गौरगंज में हम लोगों ने 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ का अस्पताल बन चुका है। बाड़ी में लगभग 1.5 से 2 करोड़ का अस्पताल बन चुका है। लगातार हमारा प्रयास है, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से भोजपुर क्षेत्र के बारे में लगातार ध्यान रखें। हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार किसानों की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से आते हैं। और आपने लगातार देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं बनती है वो चर्चा का विषय होती है। न केवल हमारे मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों ने हमारे यहाँ की योजनाओं को लागू करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जनधन योजना, जीवन बीमा सुरक्षा योजना, स्मार्ट सिटी के बारे में कभी आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने
इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में भी उन्होंने विचार बनाया, योजना बनाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी तर्ज पर स्मार्ट विलेज की भी बात कही है, और कल ही उस स्मार्ट विलेज के बारे में वहां के हमारे जो गोपाल भार्गव जी है पंचायत मंत्री, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हर गांव में स्मार्ट विलेज बनाने की जो बात आ रही है, वहां सामुदायिक भवन हो, पंचायत भवन हो, शुद्ध पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल, अगर बड़ी जगह है तो बड़ा अस्पताल, छोटी जगह है तो वहां कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि चिकित्सा की कुछ न कुछ व्यवस्था हो सके। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि ये कि हम आप लोगों के बारे में किस तरह से चिंता करें, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है शुद्ध रूप से न कोई विकास की बात तो हमने करी है, लेकिन न हमने भूमि पूजन रखा, न लोकार्पण रखा। आज सिर्फ इसलिए हम लोग आए हैं कि रक्षाबंधन के दिन ये वादा हम लोग आपसे करते हैं कि हम लोग आपसे जो भी राखी बंधवाएंगे निश्चित रूप से हम उसकी रक्षा करेंगे, और यहाँ एक एक माताएं बहनें बैठी हुई है उन सब का बीमा होगा, और इस बीमे का लाभ, देखिए जीवन हमेशा हर व्यक्ति जीना चाहता है, परिवार में जो सदस्य है कमाने वाला, या बेटा है या कमाने वाला भाई है, खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार के सदस्य अगर मान लो कोई दिक्कत में आते हैं तो उसको 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगी, ये बीमा कराने की बात हो रही है। और जब मैंने इस मंच के माध्यम से कहा है तो ये निश्चित रूप से हम सबकी जवाबदारी है, हमारे SDM महोदय और पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, अर्जुन नगर की एक एक माताओं बहनों का हमें बीमा कराना है, ये हम लोग करके रहेंगे। पूरे राहुल नगर में भी हमने ये बात कही है, अर्जुन नगर में भी बात कही है, और पूरे भोजपुर क्षेत्र में हमारा जो लक्ष्य इस रक्षाबंधन पर है कि 10,000 माताओं बहनों का बीमा हम लोग करवाएं, और न केवल इस साल, अगले साल की भी जवाबदारी हमारी है, उसके अगले साल की भी जवाबदारी विधायक होने के नाते हमारी है, हर साल आपका बीमा हम लोग करवाते जाएंगे। और हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आइए, ये जो अभियान चालू हुआ है इस अभियान के तहत बहन की रक्षा करने के लिए आप और हम लोग सब उठकर इस अभियान से जुड़ जाए। और वास्तव में एक अलग अनुभव होता है, एक आप और हमारा जो आत्मीय लगाव है एक दूसरे का, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने की जो बात है, क्योंकि वास्तव में हम एक घर में रहते हैं, हो सकता है कभी कभी कोई बात हो जाती है, एक परिवार में कोई ना कोई बात हो जाती है, मोहल्ले में कोई बात हो जाती है, लेकिन आप और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि हम सब लोग हिल मिलकर रहें, साथ में रहें, एक दूसरे की चिंता करें। और वैसे भी देखा जाए तो इसका पूरा का पूरा श्रेय माताओं बहनों को जाता है, उसमें थोड़े से हम पुरुष वर्ग जो है थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा श्रेय जाता है, संस्कारवान बनाने का भी श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि पिताजी और जो भी है वो तो सब कमाई पे निकल जाते हैं, अगर उस बेटा और बेटी को कोई संस्कार देने का काम करते हैं तो आप लोग करते हो। आपके कारण से आज भारतीय संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराओं का निर्वाह होने का काम आप लोगों के कारण से हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सब इस कार्यक्रम में आए, और इस कार्यक्रम को जिस तरह से आपने अपना माना है उसके लिए धन्यवाद। यहां बैठे हुए हमारे सभी अर्जुन नगर के पुरुषों को भी कहना चाहूंगा कि इस योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को जरूर दिलवाएं, सभी बहनों को। जहां तक उत्तम नगर के विषय की बात है, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं विधायक था तो SDM महोदय और उनकी टीम ने उत्तम नगर को हटाने का काम किया था। यहां से अर्जुन नगर से सोनू चौकसे जी और काफी लोग मुझसे आके मिले थे, यहां से इन्होंने नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं अभी, इन्होंने भी बात कही थी, और उस समय हमने उत्तम नगर को रुकवाया था। और मैं ये वादा करता हूं कि उत्तम नगर को यहां से कोई हटा नहीं सकता, उत्तम नगर के सभी नगरवासी वहीं रहेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी उत्तम नगर नगर पंचायत क्षेत्र में कानूनी तौर पर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उत्तम नगर की भी जवाबदारी हमारी है। मैं विधायक निधि से 2 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि उत्तम नगर के लिए जो भी शुरुआत की जाए उससे अभी शुरुआत की जाए,
अगली बार और जरूरत पड़ेगी तो और हम सांसद निधि या विधायक निधि से लेकर आएंगे। आप सबने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो मूल स्वरूप है रक्षा सूत्र बंधन का कार्यक्रम, तो मैं आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए सांकेतिक रूप से कुछ बहनों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। यहाँ पर इस कार्यक्रम के बाद भी जितनी भी माताएं बहनें हैं अगले 7 दिन 10 दिन में मैं हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा और उपाध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी को यह जवाबदारी देता हूं कि आप सबके फॉर्म इकट्ठे करके हमारे एसडीएम महोदय तक पहुंचाएंगे और अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, 2 लाख का दुर्घटना बीमे का सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं आज के रक्षा सूत्र बंधन के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमारी जो पार्षद प्रतिनिधि और इसके बाद हम कुछ नाम पुकारेंगे, कुछ पहले प्रतिनिधि के रूप में मंच पे आ जाएंगी, माननीय मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधेंगी, फिर हम सभी भाई अपने अपने बहनों के पास यहाँ जो उपस्थित बहनें हैं उनसे रक्षा सूत्र बनवाएंगे। अरे